गुड मॉर्निंग। एक बार आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आज का इम्पोर्टेंट सेशन है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट दुनिया का सबसे मोस्ट सिक्योर कॉन्सेप्ट है, और आप अगर एमटेक में ज्वाइनिंग करेंगे तो एक ट्रैफिक इंजीनियरिंग नाम का पूरा स्पेशलाइजेशन कोर्स होता है इन एमटेक। पीएचडी से काफ़ी चल रही है, नाम समझ रहे हैं, ट्रैफिक इंजीनियरिंग। अगर रोड की ट्रैफिक की बात करें तो क्या होता है वहाँ पे, चौराहे पे या रेड सिग्नल्स होते हैं, चौराहे पे पुलिस ट्रैफिक वाला होता है, तो रोड का जो ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम है उसको मैनेजमेंट करता है, राइट। अगर वो ना हो तो आपस में लड़ाई झगड़े, सही तरीके से कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। उसी तरह कम्युनिकेशन सिस्टम में अब बहुत सारे लोकल लेवल पे आपकी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है, जो पब्लिक को इंटरनेट दे रही होती है। अगर ट्रैफिक को मैनेजमेंट ना किया जाए तो, क्योंकि आपको ये बात तो समझ में आई गई है कि एक सिटी से दूसरा शहर, दूसरे शहर से इंडिया लेवल पर अगर बात करें तो सबकी लाइन जाकर कॉमन हो जाती है। तो इसका मतलब है रास्ता वही है, और जो सिग्नल का ट्रांसपोर्टेशन है अलग अलग कंपनी से कुछ रास्ते पे मूवमेंट हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम कोई मैनेजमेंट ना करें, कोई ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम ना बनाए, तो सबसे बड़ी समस्या होगी कि कौन सा सिग्नल जाए कौन सा सिग्नल ना जाए। तो ये दूर किया जाता है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट से। और एक्सेस कंट्रोल लिस्ट इतना पावरफुल है, इसको अभी तो सिर्फ आपको जानकारी के लिए, जो आपका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग मैं बताने वाला हूँ। उसका जॉब एड मैंने आपको शेयर किया है, उसमें मैं दो चीज़ कवर करूँगा अभी आपको। एक तो अभी आपको याद होगा कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 का रिमूवल हुआ, तो वहाँ के सभी टेलीफोनी सिस्टम, इंटरनेट सिस्टम बंद कर दिए गए। अब आप सोच रहे होंगे ये सब बंद एक साथ कैसे हो गया। गवर्नमेंट ने बोला एक पल एक कमांड फायर किया, मतलब इधर ऑर्डर निकला नहीं, उधर इंटरनेट सारे बंद हो गए। एक एक आदमी के पास जाकर बंद करना तो बहुत मुश्किल है। सिग्नल सबके मोबाइल पे थे, फोन पे, घर की जो फोन लगे हुए थे या मोबाइल पे, सब पे सब कुछ था, बट दे नॉट कॉलिंग पीपल, एक दूसरे को कॉल नहीं कर सकते। अभी किसान आंदोलन भी हुआ था, उसमें भी थोड़ी सी घटनाएं घटने लगी, तो दिल्ली एनसीआर के आसपास, हरियाणा के आसपास एकदम से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी, ठीक है ना। इलेक्शन होता है, कुछ सेंसिटिव एरिया होते हैं वहाँ पे भी गवर्नमेंट कभी कभी ऑर्डर कर देती है कि इस एरिया में ना तो मोबाइल अलाउ है। गलती से चोरी छिपे कोई मोबाइल ले भी आए तो भी उससे मोबाइल काम नहीं करेगा। ट्रेडिशनल सिस्टम था जैमर, जैमर से कोई खास से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एसीएल पूरे एरिया को कंट्रोल कर सकता है। तो एक चीज हम ये बताएंगे कि इसमें पूरा का पूरा एरिया बाउंडेड कर दिया गया। दूसरा अभी चाइना का एग्जांपल है। चाइना, आपको याद होगा कि चाइना के बहुत सारी एप्लीकेशन, मोर देन 247 एप्लीकेशन अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैन कर चुकी है। 247, यानी कि टिकटॉक है, बड़ा पॉपुलर है, आप लोग तो जानते भी होंगे। तो सब लोग बड़ा टिकटॉक पे वीडियो बनाते थे, क्लियर आपका स्कैन कैमर था, ये सब ऐसी थी कुछ साइटें थी जो बहुत ही इंडिया के अंदर पॉपुलर थी, हर एक के मोबाइल में होता ही था, ठीक है। तो लेकिन गवर्नमेंट ऑर्डर के बाद में यहाँ पे हमने पर्टिकुलर चाइना की साइट को रोक लगाया, बंद नहीं किया, रोक लगाया। इसका मतलब है कि टिकटॉक इंडिया में बैन है, नेपाल में बैन नहीं है, पाकिस्तान में बैन नहीं है, ठीक है। ट्रैफिक कंट्रोल पूरी तरह से कंट्रोल करेगा, 100%, ना तो इसमें कॉल कर पाएगा। अगर मैं एसीएल, ये दो तरह के एसीएल होते हैं, मैं लिख के दिखाऊँ थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, दोनों ही आपके मैंने कवर अप किया है। आज हमारा जो टॉपिक है, थोड़ी ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सिर्फ प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, जल्दी समझ में आएगा। उन दोनों एग्जाम्पल जो लिया है उन्हीं के ऊपर बात करेंगे। एसीएल, ठीक है ना, इसको बोलते हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ठीक है। ये अभी जो मैं पहला आपको बताने वाला हूँ उसको स्टैंडर्ड, तो जॉब एड में दिया, मुझे बता रहा हूँ स्टैंडर्ड एसीएल। इसमें क्या होगा, ऑल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बैन कर दिया जाएगा, ठीक है, या बार कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि दैट इज, इसका मतलब ये है कि
नो फोन कॉल, नो इंटरनेट, एंड नो कम्युनिकेशन एनी टाइप, नो एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इसमें किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन संभव नहीं है, राइट? ठीक है, ये स्टैंडर्ड स्केल है। जब नियम रेगुलेशन बनाए जाते हैं चीजों को सुधारने के लिए, सिस्टम को सही चलाने के लिए, हमारे देश के अंदर भी अगर एक आम पब्लिक की भी बातें करें तो कानून व्यवस्था बनी रहे, तो हम लोगों ने क्या बनाया, धाराएं बनाई हैं। आईपीसी की धारा नंबर 1, आईपीसी धारा नंबर 302, 430, लाइक बहुत सारी धाराएं बनाई है। तो कोई क्राइम करता है या उस धाराओं का हवाला दिया जाता है कि इस धाराओं का प्रयोग करते हुए ये जो आपके आईपीसी जो आपके आर्टिकल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग एक्शन लिया जाता है। उसी तरह से स्टैंडर्ड एसीएल आईएसओ ने दुनिया का जो कम्युनिकेशन है सबको स्टैंडर्डाइजेशन करता है। आईएसओ आईएसओ ने अंडर ओएसआई लेयर के अंदर, क्योंकि हम सब किस में काम कर रहे हैं, ओएसआई लेयर के अंदर काम कर रहे हैं, तो ओएसआई लेयर के अंदर हम स्टैंडर्ड एसीएल में रूल नंबर 1 से लेकर 99 तक डिफाइन किया हुआ है। यानी अगर आपको कहीं पे लिखा मिल जाए, आपने कभी राउटर को चेक किया और राउटर को चेक करते ही उसमें ये लिखा जाए कि ACL 15 आ जाए, ठीक है, ACL 78 आ जाए, ACL 99 आ जाए, ACL 32 आ जाए, इस तरह के आ जाए, यानी कि जो वैल्यू है 1 से लेके 99 तक का अगर आपको अपने राउटर के अंदर ये चीज़ें दिखेगी तो इसका मतलब है कि आपने अपने राउटर के अंदर स्टैंडर्ड ACL लगाया है। स्टैंडर्ड ACL का मतलब कि इसमें ना तो इस नियम के लगने की वजह से कुछ कंप्यूटर या कुछ लोग या कोई ग्रुप को ना तो फोन कॉल कर पाएगा, ना इंटरनेट कर पाएगा, या किसी भी तरह का कम्युनिकेशन कर पाएगा, वो हो गया। दूसरा जो होता है आपका एक्सटेंडेड ACL, एक्सटेंडेड ACL जो है आपका, इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ सर्विस, पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ सर्विस बार किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल चाइना से हमारा जो कम्युनिकेशन है केवल पर्टिकुलर एप्लीकेशन बैन कराई गई है। चाइना से हमारा फोन कॉल पे कोई रोक नहीं लगाया गया, चाइना से हमारा कोई भी और ईमेल बंद नहीं कराया गया, केवल आप एप्लीकेशन नहीं चला सकते, ठीक है ना? या फिर आपको लगता है कि वेबसाइटें भी, बीच में सुना तो बहुत सारी इलीगल वेबसाइटें थी जो इंडिया के अंदर सिर्फ मिस कम्युनिकेशन कर रही थी या गलत काम कर रही थी, तो ऐसे केवल वेबसाइट को रोक लगाया गया, टेलीफोनी सिस्टम बंद नहीं किया गया, या दूसरे टाइप से कोई ईमेल हो गया, कोई और वेबसाइट हो गया, वो सब बंद नहीं किया, पर्टिकुलर सर्विस बंद करोगे वो एक्सटेंडेड एसीएल कराया। इसके लिए भी आईसीएल ने डिफाइन किया हुआ 100 से लेके 199, तो इस तरह से 200 से लेके 299, 300 से लेके 399, ऐसे न जाने कुल मिलाकर अभी आज की डेट में करीब 2000 से ज़्यादा रूल रेगुलेशन काम कर रहे हैं। आपको सिर्फ समझने के लिए दो ही काफ़ी होंगे। तो सबसे पहले तो मैं एक नेटवर्क डिजाइन करूँगा, और आपके लिए बड़ा अच्छा चांस है कि अब मैं नेटवर्क जो बनाने जा रहा हूँ ये day 1 से लेकर अब तक मैं थोड़ा फास्ट करूँगा। अगर किसी वजह से कहीं पीछे कम्युनिकेशन या समझने में कमजोरी रह गई हो तो आप इसको समझ पाएंगे, और मैं थोड़ा फास्ट करूँगा। मैं क्या करूँगा, पहले दिन से आज तक का एक पहले एक नेटवर्क बनाऊँगा। जब मैं मान लेता हूँ, ऐसा नेटवर्क बनाऊंगा जिसके अंदर किसी भी तरह का कोई रुकावट नहीं है, कोई इशू, जो लोग 6 वीक के हैं उसको इसको रिपोर्ट में बनाना है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना? ये स्टैंडर्ड एक्सेल का रिपोर्ट बनाएंगे, उनके सर्टिफिकेट में भी ये चीज़ मेंशन की जाएगी, ठीक है? तो सबसे पहले मैं एक नेटवर्क बनाता हूँ जिसमें फिर इन सारी चीज़ों का इम्प्लीमेंट करूँगा। तो बिना देर किए मैं अब दो तीन चीज़ें आपको नई सीखने को भी मिलेगी। तो सबसे पहले मैं राउटर लेता हूँ, 3 राउटर ले लेता हूँ, ठीक है ना? मैं जॉब वर्ड फॉलो भी कर रहा हूँ ताकि आपको कोई समस्या ना बने। हर राउटर के नीचे अगर आपको डिवाइसेज जोड़नी है तो आपको स्विच लगानी पड़ेगी, तो मैं 3 स्विच ले लेता हूँ। हर के अंदर कम से कम 2 कंप्यूटर लगा लेता हूँ, ठीक है? देखिए कैसे ले रहा हूँ, बिल्कुल आप ध्यान से देखते रहिए। और मैं एक सर्वर भी लगा लेता हूँ, वेब सर्वर, ठीक है? अब इनको आपस में जोड़ना है तो केबल लेता हूँ। राउटर के 01 पोर्ट को मैं यूज़ करता हूँ, स्विच के 01 पे लगाता हूँ। सारे में एक जैसा ही करूँगा ताकि हमें कोई कठिनाई महसूस ना हो। आपके हाथ में उल्टा पुल्टा लगाओगे तो आपको माइंड आपका थोड़ा ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, ठीक है ना? 01 लगा दो, ठीक है?
और सारे कंप्यूटर्स को जोड़ देते हैं, ये हमने जोड़ दिया यहाँ पे। और मैं फास्ट कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, बस ध्यान रखते रहिए, 10 मिनट में पूरी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि सिक्योरिटी कितनी बड़ी चीज़ है। कुछ लोग साइबर सिक्योरिटी को ये समझते हैं कि हैकिंग करना है, वो करना, नहीं वो कुछ नहीं है भाई, चोरी करना सबको आता है, वो तो कहीं से भी गूगल बाबा से कर करके चोरी सीख लेगा, लेकिन चोर के घर को बचाना बड़ा चैलेंजिंग काम है। वो कैसे किया जाता है, कैसे ऑपरेट किया जाता है, वो सब चीज़ें आप इसमें पाँच मिलेगा। अब यहाँ पे चूंकि ये जो मैंने राउटर लिया है, इस राउटर में केवल 2 ही पोर्ट है, लेकिन जो बीच वाला राउटर है उसके अंदर 3 रिक्वायरमेंट है। तो इसका मतलब है कि मुझे पहले क्या होता था, और अभी भी अगर आपके कंप्यूटर में कोई पोर्ट नहीं होता तो मार्केट से अलग से खरीद के आप लगा सकते हो। तो ये जो राउटर है, क्योंकि अलग से पोर्ट आप खरीद के लगाना पड़ेगा, तो जस्ट क्लिक करेंगे आपको राउटर, जब मैंने क्लिक किया तो राउटर का ये जो खाली हिस्सा है इस पर हम अलग से ये सारे पोर्ट है क्लिक करें यहाँ पे, तो इनकी यहाँ पे सिंबल आएगा ये क्या चीज़ है, एनएफ और न्यू मॉड्यूल वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो अगर मुझे एक्स्ट्रा लगाना है तो मुझे यहाँ से कोई एक नया मॉड्यूल लगाना पड़ेगा जो इंटरनेट को सपोर्ट करता है। इसमें हर तरह के मॉड्यूल हैं, कवर भी लगा सकते हैं बंद करना है, ठीक है ना, कोई आप ये वैन कार्ड भी लगा सकते हैं, इंटरनेट कार्ड भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप सब पढ़ेंगे, उसकी सारी डिटेल होगी, आपको याद नहीं करना, सिर्फ समझना है कि क्योंकि हमारे पास केवल 2 ही फास्ट इंटरनेट पोर्ट थे और हमें 3 की जरूरत हो गई, तो मुझे एक एक्स्ट्रा पोर्ट मार्केट से खरीद कर लगाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। और इंसान तो बहुत होशियार होता है, वो उसकी खासियत क्या होती है, सबसे बड़ा खासियत होती है चलो मार्केट से खरीद के लगाना है तो फिर पड़ेगा कम पैसे में ना अच्छा वाला चीज़ ले लें। ये नेचर हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, फील्ड में भले नौकरी करते हैं उसके बावजूद भी हमारी सोच यही होती है कि कम पैसे में अच्छे वाली चीज़ लगा लें, क्योंकि हम फास्ट इंटरनेट लगाएंगे, फास्ट इंटरनेट में पैसा ज़्यादा खर्चा होता है और इसमें स्पीड 100 Mbps से ज़्यादा नहीं मिलता, तो फिर हमें उससे कम पैसे में उससे ज़्यादा स्पीड वाले पोर्ट अवेलेबल है तो मैं उसको लगा लूँगा कम्युनिकेशन के लिए। तो यहाँ पे सिंक्रोनस पोर्ट भी होगा, ये है क्लिक करेंगे, हमें तो एक एक्स्ट्रा पोर्ट चाहिए था, ये सिंक्रोनस पोर्ट क्लिक किया, ये 8 पोर्ट का है, मैं 4 वाला लगा लेता हूँ, 4 पोर्ट का लगा लेता हूँ, ठीक है। तो 4 पोर्ट का मैं यहाँ लगा लेता, हमें ज़रूरत एक है लेकिन फिलहाल इसमें 4 से नीचे का है ही नहीं, तो कम से कम 4 का ही उठा के लगा देते हैं। और जब मैं लगाऊंगा तो सबसे पहले पावर सप्लाई बंद करिए, ये पावर सप्लाई यहाँ बंद करेंगे, इसको लगाएंगे फिर पावर सप्लाई ऑन करेंगे, और जब मैं इसके ऊपर माउस ले जाऊंगा तब हमारे ऊपर 4 अलग पोर्ट भी मिल जाएंगे, 0 सीरियल 1/0 0। तो सीरियल पोर्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट जब इंसान पैसे दे के अपने आप खरीद के लगाता है, जो कंपनी देती है वो तो नहीं देती है, लेकिन हम लोग पैसे खरीदे कम पैसे में ज़्यादा सुविधाएं लेते। इसमें भी अब कम्युनिकेशन का एक दूसरा फंडा ये है कि हम जैसा कम्युनिकेशन का स्टार्ट करते हैं ठीक वैसा ही हम दूसरे एंड पर भी रखते हैं। अगर मैंने फास्ट इथरनेट से शुरू किया है तो दूसरा एंड भी फास्ट इथरनेट होगा, अगर मैंने सीरियल पोर्ट से शुरू किया है दूसरा एंड भी सीरियल पोर्ट होगा। बीच में आप चाहें कितना भी फाइबर बदल लें, टावर लगा लें, सेटेलाइट लगा लें, डजेंट मैटर, बट स्टार्टिंग पोर्ट ऑफ द कम्युनिकेशन जो सेंडर है और जो रिसीवर है दोनों का जो पोर्ट है वो एक जैसा होना चाहिए, कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट फंडा। तो मैंने अगर सीरियल पोर्ट लगाया तो मुझे यहाँ भी सीरियल पोर्ट की जरूरत पड़ेगी, यहाँ भी आप सीरियल पोर्ट लगाएंगे, पावर सप्लाई बंद करें, और ये 4 वाला पोर्ट लगाया मैंने ऑन कर दिया, लास्ट वाले में भी लगा देते हैं। यहाँ तो चूंकि सामुलेटर है फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी करते रहो कोई दिक्कत नहीं है। अब सीरियल पोर्ट को जोड़ने के लिए मुझे सीरियल केबल की जरूरत पड़ेगी, इसमें मूव करेंगे तो नीचे सारी केबलों के इंफॉर्मेशन लिखी हुई आती है, कंसोल हुआ, स्ट्रेट, कॉपर, फाइबर, ठीक है ना। आप बढ़ेंगे ये सीरियल DC आ गया, सीरियल DT आ गया, DT सीरियल केबल हो गए, 2 तरह के सीरियल केबल शो हो रहा है, एक है सीरियल DT, एक है सीरियल DC, डाटा या डिजिटल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट एंड डिजिटल टर्मिनल इक्विपमेंट। टर्मिनल किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं जहाँ पे एंड हो जाता है, जो यूजर होता है टर्मिनल यूज करता है, आपका लैपटॉप हुआ, मोबाइल फोन हुए, कंप्यूटर हुए, ठीक है। और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट कौन हुआ, ये है देखिए स्विच में क्या, इधर भी जाता और इधर भी जाता, कंप्यूटर में यहाँ एंड हो जाता ना, तो कम्युनिकेशन यहाँ पे चूंकि कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है तो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट वाला केबल लगाना पड़ेगा। दोनों केबल एक ही होता है, बस उनके जो पिन होते हैं ना उस पर डिफरेंस होता है। अब ये इसका कोई भी 4 सीरियल पोर्ट में से कोई भी एक लगा सकते हैं, 1/0 लगाया फिर 1/0 लगा देते हैं, दूसरा उठाते हैं इधर हम 1/1 लगाते हैं, इधर भी हमने 1/1 लगा दिया। अब यहाँ आप देखा जाए तो कितने लाइन हो गए, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3,
9 नंबर पोर्ट, 9 नंबर पाइप, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। राउटर का एक पोर्ट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, तो मुझे 4 नेटवर्क आईडी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ डिफाइन कर लेता हूँ। पहला नेटवर्क आईडी 192 ऐसा लिखते हैं, नेटवर्क, ठीक है ना, नेटवर्क 1 लिख देता हूँ और इसकी आईडी कर देते हैं 192.168.1.0/168। ठीक है, एक नेटवर्क हो गया। अब मेरे पास 5 नेटवर्क हैं, तो मुझे 5 नेटवर्क के बारे में बात करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा करता हूँ, ठीक है, एक यहाँ पे लग जाएगा, फिर एक यहाँ पे, एक हमारा यहाँ पे हो गया 2 नंबर, ये हो जाएगा 3 नंबर, ये हो गया 4 नंबर, और ये हमारा 5 नंबर। इसको मॉडिफाई कर लेता हूँ कि आपका नेटवर्क 2 हो गया, 2.0 हो जाएगा, ये नेटवर्क आपका 3 हो जाएगा। आपका 3.0 हो जाएगा, ये नेटवर्क आपका 4 हो जाएगा, हो जाएगा नेटवर्क आपका 5.0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमारे 5 नेटवर्क हो गए। अब इसके अकॉर्डिंगली इसमें आईपी डाल सकते हैं, तो आईपी आपको याद होगा, या तो डीएचसीपी के थ्रू डाल सकते हो या स्टैटिक डाल सकते हो। तो मैं अभी डीएचसीपी नहीं लगा रहा हूँ, बिना देर किए मैं यहाँ पे स्टैटिक आईपी डालता हूँ। क्लिक किया PC0 में, क्लिक है यहाँ पे, क्लिक किया 192.168.1.1, 1.1 सब में गेटवे कर लेता हूँ। ठीक है, 1.2 से शुरू करता हूँ, गेटवे आपका 1.1, गेटवे कौन सा होगा, राउटर का एयरपोर्ट गेटवे कहलाएगा, राइट। इतना तो आप लोग अवेयर हैं, लैपटॉप में भी डाल देते हैं, तो हम डाल देते हैं 1.3। ठीक है, गेटवे बनेगा। सेम जो बीच वाला पीसी है, ये 2.0 का नेटवर्क है, तो यहाँ पे जो होगा हमारे पास में जो आईपी डालेंगे, तो आपका 2.1 गेटवे कर लेते हैं। ठीक है, 2.2 से शुरू कर देते हैं, और जो आपका लास्ट वाला जो PC2 है, इसमें 2.3 कर लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हमारा जो लास्ट है 3.0 का नेटवर्क है, तो इसमें जो आईपी हम करेंगे 3.1 को गेटवे यहाँ भी बना लेते हैं, 3.1 गेटवे कर लेंगे और 3.2 से शुरू करते हैं। और फिर हमारा जो लास्ट PC4 है, इसको भी हम डाल लेते हैं, 3.3 कर लीजिए। तो आईपी आपको डालना पहले से पता है, जिन लोगों को स्टैटिक आईपी डालने नहीं समझ पाए होंगे, दोबारा आज देख सकते हैं। और जो सर्वर है, इसको हम वेब सर्वर बना देते हैं, ये जो हमारा सर्वर है, इसको हम लोग वेब सर्वर बना देते हैं, तो वेबसाइट बना देते हैं ना, वेबसाइट बना देते हैं। और इसकी जो चूँकि सर्वर है, तो सर्वर की आईपी हमेशा स्टैटिक होगी। दुनिया में 2 लोकेशंस होती हैं जिनकी आईपी हमेशा स्टैटिक रखना ही रखना है, एक तो सर्वर, दूसरा राउटर के पोर्ट। तो ये आपका जो लोकेशन होगी आपकी 192.168.3.10 कर देते हैं, प्लस 24। ये तो हो गए हमारे कंप्यूटर्स के आईपी लगे। अब जो राउटर्स हैं, इनके अंदर भी मुझे आईपी देना है, तो इस राउटर के अंदर भी हम आईपी दे देते हैं, क्लिक करेंगे, फटाफट हम देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, CLI में जाएंगे, फर्स्ट टाइम सवाल करेगा तो नो लिखना है, इनेबल करना है, कॉन्फ़िग करना है। अब हमारा ये जो पोर्ट है INT या फिर 0/1, यहाँ पे हम जाएंगे, इसमें जो आईपी ऐड करना है 192.168.1.1, सबनेट /24 है तो 255.255.255.0। बाई डिफ़ॉल्ट पोर्ट ऑफ होता है, तो नो सेट कर देंगे, और जो भी काम करेंगे डू राइट करेंगे। इस पोर्ट से बाहर आएंगे, ठीक है, और हमारे पास बाहर आते ही हमारा जो दूसरा पोर्ट है सीरियल 1/1, ठीक है ना, तो इस वाले पोर्ट पे हमें आईपी करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको सीधा SC यहाँ पे लिखना, SC 1/1, हेलो, हाँ, 1200 इधर वाला जो छोटी बिल्डिंग है ना, अरे इधर वाली मेन बिल्डिंग पे नहीं जाना, छोटी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे आईटी फैकल्टी में, बाहर कंप्यूटर लिखा, मेरा रूम जाके DLSI लिखा, 1200 DLSI, साइबर सिक्योरिटी लैब।
ठीक है ना, अंदर ही आ जाओ, दोनों बैठते हैं। ओके, हम दूसरे पोर्ट की बात कर रहे थे, ये SC 1/0 है, तो मैं यहाँ पे लिखेंगे INT SC। जो पोर्ट है, जिस पोर्ट पे हम केबल लगाते हैं उसके रिस्पेक्ट में ही हमें IP दिया जाता है, तो SC 1/0। इसमें जो IP हेड आपका जो देना है वो आपका 4.0 है। यहाँ पे क्या हमने 4 डॉट है, तो 4.1 इधर दे दीजिए, 4 डॉट इधर दे दीजिए। तो मैं यहाँ पे जो IP देंगे आपका, ये 4.1 कर दीजिए यहाँ पे। पावर सप्लाई ऑन करेंगे, नो सच, जो भी काम करेंगे डू राइट करेंगे, ठीक है ना। तो बाई डिफॉल्ट अभी रेडी रहेगा, जब मैं बीच वाले को करूँगा तब हो पाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर अगर माउस ले जाएँ, तो आप, मैंने जो प्लानिंग किया SC 1/0, उसको IP दे दिया समझो। अब बीच वाले में 3 पोर्ट है, 1/0, 1/1, इनमें वही फटाफट IP देते हैं। क्लिक के इधर गो टू द CLI, नो करना है अगर पूछ रहा है तो। इनेबल कॉन्फिगरेशन टी, पहले INT FA 0/1 पे चले जाते हैं। इसका जो IP एड है ये 192.168.2.1 है, और सबने 255.255.255.0। पावर सप्लाई ऑन करेंगे, नो सच, जो भी काम करेंगे डू राइट करेंगे और बाहर आ जाएंगे। इसके बाद जो INT है SC 1/0, SC 1/0 हमारा ये वाला पोर्ट है। अब इस पे जो IP दोगे वो 4.2 का दोगे, सीधी सी बात है। इस पे जो IP देना है मुझे 4.2 का देना है। पावर सप्लाई यहाँ करेंगे, नो सच, जो भी काम करेंगे डू राइट करें और एग्जिट कर देंगे, राइट। अब सेम मैनर में जो आपका पोर्ट है SC 1/1, ये जो हमने केबल लगाया है SC 1/1 पे लगाया हुआ है, ठीक है, तो इसको हम IP देना चाहेंगे। इसके लिए हम देंगे, IP ऐड करना है आपको, ये आपको 5.1, क्योंकि हमने 5.0 का नेटवर्क लिया हुआ है, ठीक है ना, 5.1। पावर सप्लाई ऑन करेंगे, नो सच, डू राइट करेंगे और एग्जिट करेंगे, राइट, ठीक है। हमारा जो बीच वाला राउटर है इसके तीनों पोर्ट पे IP हमने जो प्लानिंग किया था उसके अकॉर्डिंग हमने दे दिया, राइट। अब हमारा बच गया लास्ट वाला, तो लास्ट वाले को क्लिक करते हैं, इसमें भी हम IP देते हैं। अभी मैं नेटवर्क बना रहा हूँ जिसमें किसी भी तरह का रुकावट नहीं है, और आपके सामने ही बना रहा हूँ ताकि आप लोग भी पूरा बना के प्रॉपर समझ पाएँ, कोई मिसिंग हो तो दोबारा से रिकॉल कर सकें। तो इनेबल करेंगे, कॉन्फ्रेंस पे जाएंगे, उसके बाद INT या फिर 0/1, इस पे IP ऐड करेंगे, 192.168.3.1 है, तो मार देंगे, जिसे 3.1। पावर सप्लाई ऑन करेंगे, नो सच, जो भी काम करेंगे डू राइट करेंगे और एग्जिट कर देंगे। अब हमारा ये जो पोर्ट है SC1/INT SC1/1, इसको हम IP ऐड करेंगे, ये हमारा 5.0 है, यानी 5.1 तो मैंने लेफ्ट साइड में दे दिया था, राइट साइड में देना, राइट। तो 192.168.5.2 सबमिट मार देना, 255.255.255.0। पावर सप्लाई ऑन करेंगे, नो सच, और जो भी काम करेंगे सेविंग करेंगे और एग्जिट करेंगे। तो ये IP देने का काम हम लोग कई बार कर चुके हैं, और आज मैंने आपके सामने रिपीट भी कर दिया, एक्स्ट्रा पोर्ट कैसे लगाया जाएगा वो भी कर दिया। तो जो हमने प्लानिंग किया सब में IP हो गया। अगर चेक करेंगे तो PC 0 से लैपटॉप आपस में कम्युनिकेट करेगा, PC 1 PC 2 भी कम्युनिकेट करेंगे। अगर इनको यहाँ से इस पोर्ट पर भी भेजें तो दे आल्सो कम्युनिकेट करेगा, जी फटाफट सारे कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब ये वाला भी कंप्यूटर आपको कम्युनिकेट करेगा आपका, ठीक है ना। जो हमने सर्वर डाला है, तो सर्वर का जो भी IP है उसको भी हम लोग डाला कि नहीं देख लेते हैं, नहीं डाला, उसको भी डाल लेते हैं, 192.168.3.10, ठीक है। और इसमें जो IP है 192.168.3.1, ये भी हमने इसमें IP दे दिया, ठीक है, ये हमारे इसके भी हो गया। तो ये सारे IP दे चुके हैं, आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। लेकिन आपको याद होगा कि जब मैं इससे निकल कर, अपने घर से निकल कर बाहर की दुनिया में कम्युनिकेट करूंगा, तो मुझे इस राउटर पे रूल रेगुलेशन लगाना पड़ेगा। और मैंने दो तरह के रूल रेगुलेशन लगाए, यानी राउटिंग प्रोटोकॉल लगाए, एक स्टैटिक और डायनेमिक, ठीक है। तो आप कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल यहाँ पर लगा सकते हो। तो फिलहाल मैं डायनेमिक लगा रहा हूँ ताकि PC 0 से PC 1 में कम्युनिकेशन हो जाएगा, अभी जो फेल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इस राउटर पे जाऊंगा, आपको याद होगा कॉन्फ़िगरेशन मोड में मैं ही हो जाता हूँ। अब मैं इस राउटर 0 पे हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, याद होगा, राउटर रिप वर्जन 2, ठीक है। अभी अपने बाहर की दुनिया में किससे जुड़ा कोई मतलब नहीं, अपने ही लोगों को परमिट करना है, तो इसके अपने बंदे 1.0 है और 4.0 है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा नेटवर्क
192.168.1.0, ठीक है। दूसरा हम देंगे 4.0, ठीक है, और डिराइव कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो राउटर है परमिटेड हो गया। चलो भाई जाओ आज़ादी मनाओ, इंजॉय करो। और जो बीच वाला राउटर है यहाँ पे तीन है, तो मैं तीन मार्क करूँगा इसको। यहाँ पे लिखूंगा राउटर रीड, सॉरी राउटर, ये राउटर लिख गया है, राउटर राउटर रीड वर्जन टू नेटवर्क आपका यहाँ पे मिलेगा 192.168.2.0, दूसरा मिलेगा आपका 4.0, और तीसरा मिलेगा आपका 5.0। समझ में आ रहा होगा आपको, ये बहुत ही आसान है राउटर रीच लगाना, अपने ही लोगों को परमिट कर दो, खत्म, ठीक है। बीच वाले को भी दे दिया, अगर मैंने दे दिया तो ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन शुरू कर चुके होंगे। ये आप चेक करेंगे वो कम्युनिकेशन होने लगा इसका बीच में, ठीक है ना। बार बार करें बस, चेक कर लें, ठीक है ना, सक्सेस होना शुरू हो गया। लेकिन अभी ये कम्युनिकेट नहीं करेगा, ये वाला अभी इधर कम्युनिकेट नहीं करेगा, और ना ही ये वाला कम्युनिकेट करेगा यहाँ से आकर। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे इस वाले को करना पड़ेगा, एंटर करेंगे अब। तो यहाँ पे लिखेंगे राउटर रीड वर्जन टू नेटवर्क 192.168.3.0, और दूसरा जो हम करेंगे यहाँ पे 5.0 कर देंगे, राइट। और जो भी काम करें सेविंग करें, और इसके बाद हमारा हो जाएगा। लगा देना, अभी आप देखेंगे मैंने जब कम्युनिकेशन कर दिया तो ये भी आपका आपस में कम्युनिकेशन करने लगा, देखिए सारा कम्युनिकेशन करने लगा। तो मैंने एक ऐसा नेटवर्क बना लिया अभी, जिसमें हमने इस बात की जानकारी ले ली कि हमें सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, एवरीथिंग इज वेरी गुड। तो अभी ये नेटवर्क परफेक्ट है, इसमें कोई भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आर आर प्रॉपरली कम्युनिकेट टू ईच अदर, हम लोग इसमें कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आएगा एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। तो सबसे पहले समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मान लीजिए कि सारे कोर राउटर हैं, और ये जो बीच वाला है, आप में से किसी की मान लीजिए पोस्टिंग है, आपके मोबाइल से कर दें, कितना दिन कौन 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 लगा, ओके। अभी मैं इसमें से आप लोगों से मान लेता हूँ, मान लो आदित्य, इमेजिन करोगे तो भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। मान लो कि आप इंडिया के तीन तरह के राउटर मैंने आप लोगों को बताए थे, कोर राउटर, आपका कस्टमर एज राउटर और प्रोवाइडर एज राउटर। तो मान लो कि आप नेशनल, आपकी पोस्टिंग हो गई है और नेशनल राउटर पर बैठे, ये कोर राउटर है, सारे के सारे कोर राउटर है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री को जोड़ने वाले, ठीक है। तो ये मान लो कि आप यहाँ बैठो, आपकी पोस्टिंग यहाँ हुई है, और ये जो बीच वाला जो कंप्यूटर है, ये जो बीच वाला नेटवर्क है, ये हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। और ये जो दूसरा वाला है, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है पाकिस्तान को, ठीक है। और ये तीसरा है, ये मान लो नेपाल या चाइना, मान लो चाइना को मान लेते हैं, ठीक है ना, सपोज करो चाइना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे बैठ के आपका काम क्या है, मॉनिटरिंग करना, परमिशन देना और हटाना, ठीक है। तो आपने मेजर किया कि जो पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान का नेटवर्क है, यहाँ से यहाँ पे जो PC0 यानी एक IP वो इंडिया के अंदर केवल मिस कम्युनिकेशन कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ITU के अनुसार जो पूरे सभी देशों के बीच में जो एग्रीमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंगली आप कोई लाइन बंद नहीं कर सकते, ये चीज़ हमेशा याद रखिए। मैं
वरना कम्युनिकेशन संभव नहीं। अगर हमने 9-1 बंद कर दी तो फिर हम कम्युनिकेशन एक दूसरे से कंट्री से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दो कंट्रियों के बीच में रिलेशन सबको मालूम रहता है, कभी अच्छा रहता है कभी खराब रहता है, ठीक है। तो आप बंद नहीं कर सकते, ये एग्रीमेंट है, वरना बंद करेंगे तो बाकी कंट्री भी उसको क्या कहते हैं लैंड लॉक कर देगी, भाई बाहर से दुनिया से काट देगी, तो इसलिए बंद नहीं कर सकते। अब लेकिन मैं आप यहाँ पे आदित्य आप यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन आपको रियलाइज हुआ कि जो PC0 है वो इंडिया के अंदर केवल इलीगल एक्टिविटीज कर रहा है, इसको तो कहने से रहे भाई। आप ये कर सकते हो कि इस बंदे को जो रास्ता हम बंद नहीं कर सकते, तो बंदा इस, लेकिन ये जो कंप्यूटर जो गड़बड़ी कर रहा है, इतनी परमिशन जरूर दी जाती है कि अगर आपको लगता है किसी कंट्री से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको कंट्री को अपने देश में घुसने मत दो, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे इसको रोक लगा सकते हो, PC0 को यहाँ पे रोक लगा सकते हो, और हो सका जब केवल उसको कहाँ लगाना, PC0 पे, और उसके बाद लेकिन यहाँ पे रोक नहीं लगाना चाइना के साथ, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप अपने कंप्यूटर में किस तरह का कम्युनिकेशन रोकना चाहते हो, मैं स्टैंडर्ड ACL की बात कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड ACL की बात कर रहा हूँ मैं, वन IP, एक IP यानी एक आदमी कोई हो जो दिक्कत कर रहा हो, एक IP पे रोक लगा दूं, या सेकंड नहीं हो सकता, कई सारे लोग मिलकर गड़बड़ी कर रहे हैं, ठीक है ना, एक ग्रुप ऑफ IP हो सकता है। तीसरी संभावना क्या हो सकता है, ग्रुप ऑफ IP हो सकता है। तीसरी संभावना हो सकती है कि पूरा का पूरा इस्लामाबाद शहरी, कराची शहरी परेशान, यानी होल नेटवर्क, ठीक है ना। तीन हो सकता है। तो अब आपके हाथ में है, जैसी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आप नियम बनाएंगे और काम करेंगे। सेम चीज़ काश्मीर में भी करी गई थी, ठीक है ना। तो पूरे नेटवर्क को लो, तो इसमें हम क्या कर सकते हो, आप पहला एक को भी रोक लगा सकते हो, एक कुछ लोगों के ग्रुप को भी लगा सकते हो, और पूरे का पूरा एरिया को बैन कर सकते हो, ठीक है। तो ये कहलाएगा स्टैंडर्ड ACL, और इसकी ड्यूरेशन होती है 1 से लेके 99 तक। तो सबसे पहले रूल बनाओगे, रूल मेक करेंगे, जो जो समस्या है उसको रूल मेक करेंगे, और गवर्नमेंट से परमिशन लेंगे कि सर ये चीज़ें हो रही हैं, आप कहोगे तुरंत हम इसको बंद कर देंगे, ठीक है। तो रूल मेक करने के लिए सबसे पहले क्या करना, रूल बनाना है। रूल बनाएंगे कैसे, वो मैं डायरेक्ट वहीं पे करके दिखाता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। रूल कहाँ बनाओगे, अपने ही राउटर पे बनाओगे, पाकिस्तान का तो बना नहीं सकते। इस राउटर को खोलो, कॉन्फ़िगरेशन मोड में आओ, पहले एग्जिट करके कॉन्फ़िगरेशन में रूल बनाऊंगा मैं बनाऊंगा एक्सेस लिस्ट, टैब बटन यूज कर रहा हूँ टाइम बचे, एक्सेस लिस्ट मैं पहला नियम बना रहा हूँ, एक्सेस लिस्ट 1 से लेके 99, ये डिजिट लिखना पड़ेगा आपको। तो आप कोई भी डिजिट लिख सकते हो, क्योंकि इस वाले जो अभी आपके सामने में काम कर रहा हूँ, पहले कोई चीज़ तो बनाई नहीं है, तो सब खाली है, रूल नंबर 1 भी खाली है, 10 भी खाली है, 12 भी, तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं रूल नंबर 10 के नाम से बना रहा हूँ, क्या करूँगा, डिनाई करूँगा, मना करूँगा इसको, इस कंप्यूटर को, इस कंप्यूटर का IP क्या है, इसका है 1.2, तो मैं मना करूँगा 192.168.1.2 को मैं मना कर रहा हूँ, अपने यहाँ रोक लगा रहा हूँ, ठीक है ना। और कंप्यूटर साइंस की दुनिया में माइनस नाम की कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन जब हम संख्याओं को माइनस करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबनेट मास्क की जगह पे, क्योंकि माइनस कर रहे हैं, डिनाई का मतलब माइनस कर रहे हैं, यहाँ सबनेट मास्क की जगह पे हम लोग वाइल्ड मास्क यूज करते हैं, ठीक है। वाइल्ड मास्क दो तरीके से होते हैं, वो भी आपको उसकी PPT में शेयर कर दूंगा थ्योरी में, बस आप इतना याद रखिए कि सबनेट का कॉम्प्लीमेंट, सबनेट का कॉम्प्लीमेंट जो होता है, ठीक है, उसको हम लोग वाइल्ड मास्क कहते हैं। यहाँ पे सबनेट क्या है, 255.255.255.0, ठीक है ना। इसका वाइल्ड मास्क क्या हो जाएगा, अगर निकालने की बात करेंगे तो 255.255.255.255 में से इसको आप माइनस करोगे, जब माइनस करोगे तो 0.0.0.255 बचेगा, ये इसका वाइल्ड मास्क हुआ। और कई बार लोगों को वाइल्ड मास्क सही तरीके से, क्योंकि वाइल्ड मास्क जब यूज करते हैं तो दो चार कमांड और यूज करने पड़ते हैं, तो उस चीज़ों से बचने के लिए, क्योंकि आप लोग भी नए हैं फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, इतना ज़्यादा कमांडों का अभी मीनिंग नहीं पता, क्यों कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, मैं सिंपली आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। तो उस समय आप एक स्टैंडर्ड वाइल्ड मास्क यूज कर सकते हैं, जैसे कि ताश के पत्ते खेलते हैं, कोई पत्ता खो गया तो उसकी जगह पर होता है ना पपलू कार्ड, जोकर होता है, हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अगर आपको कोई चीज़ पता नहीं है तो आप केवल स्टैंडर्ड वाइल्ड मास्क भी यूज कर सकते हो,
इसमें आपको ज्यादा कमांड देने की जरूरत नहीं होगी। जब आप एक बार पारंगत हो जाएं, एक्सपर्ट हो जाएं, तब आप ये सब जितने भी कमांड है सब गूगल में डालोगे, सब मिल जाएगा। इसके लिए कहीं आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है कि मुझे ये जरूरत है, मेरा राउटर ये है, मैं ये काम करना चाहता हूँ। व्हाट विच कमांड पॉसिबल, कमांड आपको मिल जाएंगे, आप अपने माइंड का इस्तेमाल करके उसका यूज करेंगे। राइट, मैं वापस आता हूँ, मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑयल मास यूज करूंगा, 0.0.0 का। ठीक है, मैंने एक नियम बना रहा हूँ, रूल नंबर 10, जिसमें मना किया जाएगा इस कंप्यूटर को, लेकिन राउटर इंसान की तरह बिहेव करता है। एक अच्छा इंसान हम हो चाहे आप हो, हमारी क्या खासियत है, हम लोग जब अच्छे इंसान होते हैं, अगर कोई काम कर रहा होता है, अगर हम उसे काम करने के लिए मना करते हैं तो कहता है ठीक है मैं कोई काम नहीं करूंगा, ये उसका स्वभाव होता है। तो उसी तरह से राउटर भी एक मिनी सुपर कंप्यूटर है, इंसानों के द्वारा बनाई गई चीज़ है। तो इसके अंदर भी जो माइंड दिमाग में होता है सारा बिल्कुल वैसे ही होता है। तो फिर इसको भी जैसे डिनाई लिखोगे तो क्या करेगा, पूरे नेटवर्क को ही बंद कर देगा। ठीक है मैं सबको बंद कर दूंगा, मुझे मना कर रहे, तो फिर आपको एक लाइन और फायर करनी पड़ेगी, नहीं भाई केवल इसको बंद करना है या 4 लोगों को बंद करना है, वो चीज़ें लिखनी पड़ेगी। तो मैं कैसे करूँगा, फिर मैं लिखूंगा एक्सेस लिस्ट सेम अगेन, जो 10 है इसमें मुझे परमिट करना है, इसको परमिट करना है। अगर मैं यहाँ पे कोई आईपी लिख दूँ 192.168.1.3, तो केवल एक ही कंप्यूटर परमिट होगा। अगले में लिखूंगा 1.4.1.4 परमिट होगा, जितने लोगों को परमिट करते जाओ होता चला जाएगा। लेकिन इसकी जगह पे अगर मैं यूज कर लूँ परमिट एनी, ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि जो यहाँ पे लिखा है उसको छोड़ के बाकी सब अलाउ कर दिए जाएंगे। ठीक है ना, मैं डू राइट कर देता हूँ। अभी मैंने नियम बनाया कि इस कंप्यूटर को रोक लगाना है, बाकी को परमिट करना। नियम बनाया है, लगाया नहीं है। अभी आप कम्युनिकेट करोगे, दे विल भी कम्युनिकेट सक्सेसफुल हो रहा है, PC 0 यहाँ से यहाँ भी सक्सेसफुल हो रहा है। ठीक है ना, PC लैपटॉप भी सक्सेसफुल हो रहा है, देख रहे होंगे आप आराम से, लैपटॉप भी यहाँ से यहाँ तक सक्सेसफुल है। मैंने क्या नियम बनाया है, मैंने नियम बनाया है कि ये जो आपका कंप्यूटर है PC 0 वो यहाँ पे रोक लगे। ठीक है, तो नियम लगाएंगे, जैसे गवर्नमेंट ने कहा, मान लीजिए मोदी साहब थे, उन्होंने कहा मित्रों लगा दो इसको, रोक लगा दो, तो फिर मुझे क्या करना है, जो भी गेटवे है, गेटवे क्या होता है, राउटर के पोर्ट होते हैं जहाँ से आने जाने की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नियम लगाऊंगा, एक तरह का जो गेटवे है एक तरह का सिक्योरिटी गार्ड होता है। अगर मैं SC 0 पे जो भी नियम बनाया वो लगा दूंगा, तो SC 0 कहेगा अच्छा 1.0 को 1.2 को जाने नहीं देना, तो इधर भी मना कर देगा और इधर भी मना कर देगा। ये नहीं करना है हमें, इधर तो जाने देना है, केवल अपने यहाँ मना करना है। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, मान लो चाइना से बदला चुकाना है तो यहाँ पर लगा दो, अपने यहाँ कम्युनिकेशन होता रहेगा, चाइना में ब्लॉक हो जाएगा। तो जो पोर्ट है जिस पोर्ट पे लगाओगे उस पोर्ट पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। मैं लगा के दिखाता हूँ, क्लिक करेंगे, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा IP एक्सेस, लगाने के लिए IP एक्सेस टैब बटन यूज कर रहा हूँ, नहीं IP एक्सेस ग्रुप नॉट। ठीक है, जो 10 है 10 के अंदर जो कुछ है उठा के बाहर फेंक दो, टेन है जिसके अंदर जो भी कुछ उठाकर बाहर कर दीजिए। तो कमांड एग्जेक्ट IP एक्सेस ग्रुप होना चाहिए, है ना, IP एक्सेस जॉब एड में जरा देख के बताएंगे कमांड क्या है, एग्जेक्ट कमांड मेरे माइंड से निकल गया है, आप जरा बताएंगे क्या था। मैं आप जॉब एड देखेंगे, मैंने बिल्कुल जॉब एड ही फॉलो किया है, और जॉब एड के अंदर देखेंगे तो मैंने कमांड भी दिया होगा आप लोगों को लगाने के लिए। लगाने के लिए हमें करना है IP के साथ में, अच्छा ठीक है, तो पहले मुझे उस पोर्ट पे जाना पड़ेगा तब हम लगाएंगे, तब इसलिए नहीं लग रहा है। पहले मुझे इस पोर्ट पे जाना है INTF से, जहाँ पे जाओगे जिस पोर्ट पे वहाँ पे लगाना। अब यहाँ पे लगाओगे IP एक्सेस ग्रुप, ठीक है ना, 10 में जो कुछ है उठा के बाहर फेंक दो और डू राइट कर दो। तो मुझे इस पोर्ट पे लगाना है, जिस पोर्ट पे लगाना है, तो पहले मैं वहाँ जाऊँगा, फिर उसके बाद मैं कमांड को फायर करूँगा। अब मैंने यहाँ पे लगा दिया, अब मैं पैकेट PC 0 को यहाँ रोक लगा, यहाँ नहीं लगा है, ये कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन PC 0 को अपने यहाँ लगा दिया रोक, ये फेल होना शुरू हो गया। लेकिन लैपटॉप को नहीं लगाया तो लैपटॉप हमारा कम्युनिकेट करेगा। तो इस तरह से पूरे कम्युनिकेशन को रोक लगाया जाता है, पूरे नेटवर्क को। काश्मीर में भी यही काम किया था हम लोगों ने, राउटर पर एक कमांड मारा पूरी कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया, एक कमांड मारा पूरा कम्युनिकेशन चला गया। ठीक है ना, तो ये हमारा जो था कम्युनिकेशन जो व्यवस्था थी, ये थी हमारी
स्टैंडर्ड ईसीएल, इसमें किसी भी तरह का कम्युनिकेशन संभव नहीं है, ठीक है। दूसरा होता है एक्सटेंडेड ईसीएल, दूसरा हमारे पास में एक्सटेंडेड ईसीएल, इसको हम क्लिक कर रहे थे। सेकेंड इज द एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड एसीएल जो होता है ये आपका एक से लेके, सॉरी 100 से लेके 195 ये देता है। इसमें क्या हो सकता है, इसमें कई चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आईपी ब्लॉक, पर्टिकुलर वेबसाइट ब्लॉकिंग के लिए कर रहा हूँ। तो वन आईपी ब्लॉक, सॉरी वन वेबसाइट ब्लॉक, यहाँ पे वन वेबसाइट, चाहे मैं अपनी कंट्री का ब्लॉक कर दूँ कि ऐसी वेबसाइट जो दूसरे कंट्री के लोग ना खोल सकें, या चाइना की वेबसाइट हमारी कंट्री में, दोनों हो सकता है, आवर और अदर कंट्री, ठीक है ना, मे बी ब्लॉक, ठीक है। या हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग वेबसाइटों को नहीं खोल पाए, क्या आपको लगता है कि इंडिया में 100% टिकटॉक नहीं खुलता? नहीं, इंडिया में टिकटॉक ब्लॉक करने के लिए प्रोवाइडर एज राउटर को दिया गया था, यानी जिन जिन कंपनियों ने लगाया उनके कस्टमर नहीं खोल पाएंगे, ठीक है। अगर हम कोर राउटर पे लगाते, तीन तरह का राउटर ना, कोर राउटर पे लगाते तो फिर पूरे इंडिया वाले नहीं खोल पाते, और कॉलेज कैंपस के कोर राउटर पे लगाएंगे तो कॉलेज कैंपस में बहुत सारी वेबसाइटें के लोग नहीं खोल पाएंगे, बाहर के लोग खोल पाएंगे। तो आप जिस राउटर पे लगाओगे उस राउटर के हिसाब से इंप्लीमेंट होता है, ठीक है। और एक वेबसाइट हो सकता है सेम, एक ग्रुप ऑफ वेबसाइट हो सकता है, ठीक है ना। तीसरा हो सकता है कि होल चाइना को ब्लॉक कर दो, होल नेटवर्क को ब्लॉक कर दो, तो इसमें भी सेम काम करना है। वापस आते हैं, इसमें भी हम सेम काम करेंगे। इसको मान लो चाइना, यहाँ पे जो मैंने किया इसको मैंने चाइना माना है और इसको मैंने इंडिया माना है। मैं यहाँ पे जो हमने जॉब एड में किया है, चाइना की एक वेबसाइट है जो इंडिया के अंदर पीसी जीरो तो खोल लेगा, लैपटॉप नहीं खोलेगा, ये हम करने जा रहे हैं इसमें अपने। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेम यहाँ पे मैं इम्प्लीमेंट करूँगा। कम्युनिकेशन बंद नहीं हुआ, कम्युनिकेशन पड़ गया। अभी जैसे पैकेट भेजेंगे, जैसा भी पैकेट भेज रहे हैं, यहाँ से लेके लैपटॉप से भेज रहे हैं कम्युनिकेट कर रहे हैं, पीसी जीरो से भेज रहे हैं कम्युनिकेट कर रहा है। वेबसाइट खोलेंगे, क्लिक करें, यहाँ पे वेबसाइट में भी हमने कोई डीएनएस नहीं लगाया, तो लेकिन वेबसाइट का आईपी एड्रेस पता है 192.168.3.10। अगर इसे करेंगे तो दिस इज ओपन, ये भी ओपन हो रहा है। और आप पीसी जीरो से भी करेंगे 192.168.3.10, ये भी दोनों से ओपन हो रहा है, तो वेबसाइट भी ओपन हो रहा है, कम्युनिकेशन भी कर रहा है। लेकिन मैं करने क्या जा रहा हूँ, लैपटॉप जीरो को ब्लॉक करने जा रहा हूँ, तो वेबसाइट ना खुल पाए, कम्युनिकेशन ब्लॉक नहीं, तो मुझे एक्सटेंडेड एसक्यूएल लगाना पड़ेगा। तो नियम ही बनेगा, क्लिक यहाँ करेंगे अपने राउटर पे, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे, ठीक है ना। सेम यहाँ पे भी मैं नियम बनाऊंगा, क्या नियम बनाऊंगा, जो मैंने अभी जैसे इसमें बनाया था इसमें बनाना भी आपको। इसमें लिखूंगा एक्सेस लिस्ट, इसमें 100 से लेके 199 का डिजिट यूज करने के लिए परमिशन दी गई है, सॉफ्टवेयर उसी तरह से बनवाई जाती है। तो मैं इसमें भी कहूँगा डिनाई करना है, क्या मनाई करना, टीसीपी। जब मैंने ओएसआई लेयर के बारे में एक्सप्लेन किया था, तो जो बीच वाला लेयर था, बीच वाला लेयर कौन था आदित्य, हमने ओएसआई लेयर के बारे में एक्सप्लेन किया था, सातों लेयर के बारे में। यस सर। हाँ, तो उसमें जो टीसीपी ट्रांसपोर्ट लेयर था उसका क्या काम था, जो ये बात इंश्योर करता था कि मैं किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा हूँ, यूजर किस चीज का कम्युनिकेशन करना चाह रहा है वेबसाइट, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम जो सर्विस ब्लॉक करने जाते हैं पर्टिकुलर टीसीपी लेयर पे करना है, तो होता है टीसीपी लेयर, टीसीपी किसका हम ब्लॉक करने जा रहे हैं, इस लैपटॉप की करने जा रहे हैं 192.168.1.3, ठीक है। और सेम, चूंकि ये हमारा माइनस होने वाली बात है, तो अभी हम लोग वाइल्ड मास्क यूज कर लेते हैं, तब इसका यूज करेंगे। और क्या ब्लॉक कर रहे हैं, इस वाले, ये जो हमारा जो सर्वर है वेब, उसकी ब्लॉक कर रहे हैं, तो 192.168.3.10 का हम ब्लॉक करने वाले हैं। इसका भी पूरा 0.0.0 लिखेंगे, क्या ब्लॉक करना है, स्पेस करके इक्विवेलेंट, क्या जो भी टीसीपी का पोर्ट नंबर होता है, पोर्ट नंबर जैसे कि आप वेबसाइट का 80 भी लिख सकते हो, 8080 भी कर सकते हो, एफटीपी लॉक करना तो एफटीपी कर सकते हो, तो टीसीपी में मैं क्या सर्विस लॉक कर रहा हूँ वो मुझे यहाँ लिखना है। अभी फिलहाल कुछ नहीं पता, क्योंकि आप लोग नॉर्मल हैं तो पोर्ट नंबर सबके याद तो होंगे नहीं। अभी आप समझिए कि वेबसाइट लॉक करना है तो मैं सिंपली www लिख देता हूँ, ठीक है। अब एक्सेस लिस्ट डिनाई,
अच्छा, इसमें एक गड़बड़ी हो गई ना, हमने वो चीज तो लिखी नहीं। वापस आइए, क्या माना, रूल नंबर कहाँ लिखा मैंने? 110 कर लीजिए, ठीक है, 100 कर लीजिए, जो भी अब आएगा कंप्लीट। फिर से दोबारा से लिखता हूँ, एक्सेस लिस्ट 110 स्पेस करके डिनाई करना है, ठीक है ना, डिनाई करना है क्या, टीसीपी पोर्ट का 192.168, पहले 1.3 को रोक लगा रहे ना अपने साइड का, 0.0.0 उस साइड का जो वेबसाइट है मुझे वो रोक लगाना है, 192.168 3.10 स्पेस करके 0.0.0.0 स्पेस करके कौन सी सर्विस, टू बैलेंस www, ठीक है ना, कहीं ऊपर में लगभग सेम लिखा है, कहीं ना कहीं हल्का सा मिस्टेक होगा, इस वजह से गड़बड़ हो रही होगी, ठीक है, हम बात करें, ठीक है। अब ये ले लिया, इसमें कहीं गैप या कुछ ना कुछ गड़बड़ी रही होगी, जिसकी वजह से सारा पेन दोबारा लिखा, सेम ही लिखा ऑलमोस्ट, लेकिन कहीं कहीं मिस्टेक या डाट का कहीं प्रॉब्लम होगा, इस वजह से। इसमें भी वही चीज़ है, राउटर के साथ डिनाई, अच्छा ठीक है, सब बंद कर दूंगा, वेबसाइट का सारे बंद करूंगा, किसको बताना पड़ेगा, नहीं भाई, एक्सेस लिस्ट में बाकियों को परमिट करना है, केवल उस पर्टिकुलर वेबसाइट को मना करना है। 110 में हमें करना है टीसीपी में अपने साइड के जो भी आईपी उन लोगों को, या अपने साइड का कोई भी कंप्यूटर, दूसरे के कोई भी, उसके अलावा कोई भी वेबसाइट, तो ये नहीं होने का मतलब है कि आप यहाँ पे वेबसाइटें लिख सकते हो। तो एक्सेस लिस्ट परमिट, ओहो परमिट वर्ड लिखना फिर से भूल गए, एक्सेस लिस्ट परमिट, ठीक है ना, परमिट करना है, ठीक से लिखना पड़ेगा, एक्सेस लिस्ट 110 परमिट अपने साइड का कोई वेबसाइट दूसरे साइड का, ठीक है ना, टीसीपी, ओके, क्या परमिट करने जा रहे हो, टीसीपी ब्लॉक कर रहे हैं ना, टीसीपी लिखना पड़ेगा, ओके अब आ गया, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और लिखनी पड़ेगी आपको, यहाँ पे टीसीपी में तो बहुत सारी सेवाएं होती हैं, तो आपने वेबसाइट लिखा, तो अगर एक लाइन और नहीं लिखोगे ना, एचटीएमपी, मैं जॉब एड देख रहा हूँ, इसमें एक कमांड मिसिंग हो गया, दोनों रिपीट हो गया है, जब वेबसाइट हम लोग लॉन्च करते हैं तो आईसीएमपी प्रोटोकॉल पे लॉन्च करते हैं, तो ये क्या करेगा, ऊपर वाले लाइन लिखने से वेबसाइट छोड़ के सारी वेबसाइटें अभी ब्लॉक रखेगा, लेकिन मुझे सारी वेबसाइटें ब्लॉक नहीं करनी है, चाहना कि पर्टिकुलर जो मैंने दे दिया उसी को लॉक करना है, तो मैं यहाँ पे आईसीएमपी प्रोटोकॉल को इनेबल करूँगा, डू राइट कर दूंगा, ठीक है, अब मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा, तब जाके पूरा काम करेगा। मैंने क्या किया, अपने राउटर में गए, अपने साइड का एक कंप्यूटर को, इस साइड का इसको वेबसाइट ना खोले यहाँ पे कर सकता है, इसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं, कोई हैकिंग नहीं, कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं होगा, क्लियर सी बात है। अब मैं इसको अप्लाई करूँ, अप्लाई क्या करोगे, अपने ही राउटर पोर्ट पे INT या फिर 0/1 इम्प्लीमेंट करना है, तो सिंपली IP एक्सेस ग्रुप 110 में जो कुछ है उसको इम्प्लीमेंट कर दो, डूराइट कर, मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया, कम्युनिकेशन में रोक नहीं लगाया, तो पैकेट भेजोगे तो जाना चाहिए, पैकेट जा रहा है, देखिए लैपटॉप से भी जा रहा है, PC 0 से भी जा रहा है, लेकिन वेबसाइट PC 0 का तो मैंने ब्लॉक नहीं किया, तो वेबसाइट खोल के देखते हैं, 192.168.3.10 ये ओपन हो गया, लेकिन मैंने लैपटॉप को लॉक लगाया तो लैपटॉप यहाँ से आगे जाएगा ही नहीं, लिख करके देखेंगे 192.168.3.10, मैं इंटर मार चुका हूँ लेकिन ये ओपन नहीं होगा, थोड़ी देर में रिक्वेस्ट टाइम आउट बता देगा, दैट इज ओवर, ठीक है। तो इस तरह से हम पूरे कंट्रोल करते हैं कम्युनिकेशन में, और राउटर का इम्पॉर्टेंट रोल होता है, रिक्वेस्ट टाइम आउट हो गया, ठीक है। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कैसे एरिया को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक और सेशन है आपका, जिसे आप लोग VPN कह रहे हैं, VLAN, मैं पहले VLAN पे बताऊंगा, क्योंकि VLAN पे तो उससे ही हो जाएगा, VPN सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है, VLAN राउटर के इम्प्लीमेंटेशन होता है, दोनों हर एक ही चीज़ होती है। तो मेरा एक सेशन और रहेगा कल फ्राइडे, कल तो नहीं करा पाऊंगा, परसों आपका सैटरडे वाले दिन एक लास्ट सेशन रहेगा, इसके बाद अब जो बचे कुचे हैं वो हम लोग फिर देखेंगे। अभी आपको कोई सवाल या जवाब कर पाएंगे सभी लोग, समझ में आया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, कैसे कंट्रोल किया जाता है, एक एग्जांपल लिया मैंने आपके सामने, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप लोग इसको करिए प्रैक्टिकली, करने के बाद फिर आप लोग इसको परसों फिर बताएंगे, कोई दिक्कत होगी तो हम अगेन भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हैव ए नाइस डे, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मैं बैठा हूँ मैसेज करते हुए। सर, अगर हमें ये पता कैसे चलेगा कि हमें इस वाले आईपी को ब्लॉक करना है?
दुनिया में जो इंटरनेट चलता है उसकी आईपी फिक्स होती है। सर मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि वो हमारे कंप्यूटर को अफेक्ट कर रहा है तो उसको ब्लॉक कर दे? और राउटर पे बैठा हुआ आदमी को मालूम है उसका काम क्या है? तनख्वाह खाली बैठने के लिए थोड़ी ना दिया। सर मेरे कंप्यूटर में अगर कुछ हो रहा है तो कोर राउटर वाले से। यस आप आम पब्लिक हो ना, आपको तो नहीं पता, सर। हाँ नहीं नहीं आपका राउटर ही नहीं है आपके, तो आप तो एज ए यूजर हो, ठीक है? तो आप पे तो तभी असर होगा जब असर हो जाएगा, बीमारी लग जाएगी। अगर मान लीजिए सर मेरे पे किसी ने अटैक किया, साइबर अटैक किया, तो मैं उसे ब्लॉक कैसे करूंगा? हाँ ब्लॉक कर सकते हो आप उस पर्टिकुलर कैसे आईपी को लेकर, सारे चीजें ब्लॉक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पता कैसे चलेगा कि उसका आईपी क्या है? पता चल जाएगा ना। आईपी कैसे पता करोगे अपने से? ये आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ, आपको मुझे अपने कंप्यूटर का आईपी फाइंड आउट करना है। सारी मिल जाती है, तक कमांड होती है। हाँ जी हाँ निकालिए सारे तो इंफॉर्मेशन। इधर कोई भी खोल लीजिए, पीसी कोई भी पीसी खोल लीजिए, इसमें देखो पासवर्ड पीसी का वही होगा जो उसके स्क्रीन पर जो खुला होगा उससे कर लीजिए। देखो वैसे ऐसे पता चलेगा, मैं सीएमडी कमांड खोलूंगा। आपको अपने कंप्यूटर का आईपी कैसे पता चलता है आप बताओ? आपको अपने कंप्यूटर का आईपी पता करना हो कि आप किस आईपी पर इंटरनेट करो तो कैसे पता चलेगा? आईपी कॉन्फिग, ठीक है अंकित ने लिखा, चलो यहाँ पे कमांड का बेस पर है तो आईपी कॉन्फिग से पता चलेगा। ये मेरे अपने कंप्यूटर का आईपी मिलेगा आपके स्क्रीन पर, ये मेरे कंप्यूटर का है लोकल में, मेरा IPv6 इंप्लीमेंटेड है तो IPv6 भी आ गया और 10.10 ये तो लोकल आईपी हो गया जो VLAN के तहत होगा। और आपको अपने रियल कंप्यूटर का आईपी फाइंड आउट करना है तो सिंपली आपको ये लिखना है व्हाट इज माई आईपी। जब मैं ये डालूंगा तो मेरा आएगा 117 के रेंज में आएगा, जो LTTC का आईपी है। ये LTTC का, हमारे पास दो आईपी हैं, ये LTTC का, एक 196 है दूसरा 195 है, ठीक है? तो मेरा अभी जो कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा है तो बाहर की दुनिया में अगर कोई मेरे से इंटरनेट कर रहा होगा तो वो तुरंत उसको पता चल जाएगा कि मैं किस आईपी से कर रहा हूँ, उसको ये आईपी पता चल जाएगा। लोकल के अंदर फिर मेरे से कंफर्म करेगा कि मैं बताऊंगा तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि भाई आपके यहाँ से इंटरनेट हुआ वो किस लोगों ने किया, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताया। तो लोकल आईपी मेरा जो है 10 की सीरीज में है, दुनिया के लिए मैं LTTC में जितने लोग इंटरनेट करेंगे सब इस पे होके करेंगे, इसके बारे में और एक्सप्लेन करूंगा। तो आपने जो सवाल पूछा कि मुझे कैसे पता चलेगा, तो आईपी फिक्स होती है और आपके कोई कंप्यूटर अटैक करेगा तो भी ये पता चल जाता है कि आपके यहाँ जो अटैक आया किस आईपी से आया है। इसके अलग अलग तरीके हैं, देखो मैं सिंपली कुछ भी नहीं किया, व्हाट इज माई आईपी, ठीक है? और इसमें आप डालोगे ना टॉड आईपी रिसेंटली, सारे आईपी की लिस्ट आ जाएगी। अब कुछ करना नहीं है, सारे हो जाएंगे फ्रॉड, ये सब इतने एक से एक चीज़ बढ़ गई है, सारी चीज़ें आपको डिटेल मिल जाएंगी कहाँ कहाँ से आईपी मिलेगी, ठीक है? तो जैसे आपके कंप्यूटर से कि आप यूज़र हो तो आपको उतना जल्दी नहीं पता चलेगा क्योंकि आप लोकल आईपी पे ही आप इंटरनेट कर रहे हो। अब इसको देख लेंगे, और अभी अभी दूसरा सेशन शुरू होने वाला है तो अभी मैं अब ज़्यादा टाइम अभी दे नहीं पाऊंगा, परसों ही मिल जाएगा, ठीक है ना? आज के लिए इतना ही, थैंक यू, परसों डिस्कस करते हैं। ओके सर, थैंक यू।